आज हम नून गुनने की मश्क सीखेंगे। कौन सी? नून गुनने की मश्क। पहले हमने बता दिया नून गुनना क्या होता है, लेकिन आज इसके हम मश्क करेंगे, यानी हम इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, क्या ये माँ? क्या लिखा हुआ है? माँ। माँ लिखने के लिए हम सबसे पहले लेंगे माँ। माँ के लिए क्या आएगा? मीम। मीम का सिर्फ इतना हिस्सा हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद माँ में काय की मात्रा है? आ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? अलिफ। को किससे जोड़ेंगे? मीम से। जोड़ दिया। अब ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु। नून गुनना, तो नून गुनने के हम क्या लिखते हैं? क्या हो गया ये? माँ। ये क्या है? नून गुनना। क्या हो गया पूरा? माँ। यहाँ क्या लिखा है? ये यहाँ। तो या के लिए हम लिखेंगे या। या के लिए हमने लिखा यहाँ पे या। हा के लिए लिखेंगे हम ये हा। हा इसे जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, ये हा का निशान है। अब हा में काय की मात्रा है? आ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं? अलिफ। ठीक, ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु के लिए क्या लगता है? नून गुनना। क्या हो गया ये? यहाँ। यह हो गया यहाँ। अब देखो क्या लिखा ये? जाओ। अपन पूछते हैं किसे? जाओ, ये वही लिखा है जाओ। अभी जाओ उर्दू में लिखी है कैसे? देखो, जा के लिए ये जी। जा के लिए क्या लिखा हमने? जी। जा में काय की मात्रा है? आकी। आकी मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? आकी मात्रा के लिए अलिफ लगाते हैं। ठीक, अब कोई सा भी हम आगे बढ़े लिखेंगे, लेकिन इससे चिपका के नहीं लिखा है, अलग से लिखेंगे। ठीक, अब हम देखें कि यहाँ पर काय क्या है। उ कौन सा उ है? बड़ा उ। कौन सा उ है? बड़ा उ। बड़े उ के लिए क्या लगाते हैं? अलिफ वाव पेश उ, है ना। अब यहाँ पर अलिफ आग्रेडिक प्लेस से है, तो यहाँ अलिफ वाव पेश उ नहीं लगाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? अलिफ का निशान लगा देंगे, या इसको हमजा का निशान बोलते हैं, है ना। तो जा और हमजा वापस ओ हो गया है। ये आ का निशान है, आ का, हमजा का, अलिफ का, हमजा वापस ओ या अलिफ वापस ओ। क्या हुआ है? जाओ। ये हो गया। ठीक, अब ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु यह क्या लगता है? नून गुनना। तो हम नून गुनना यहां लगा देंगे। क्या बन गया ये? जाऊं। ठीक है, क्या लिखा है? बातें। ठीक, बा के लिए बा में काय की मात्रा है? आ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? अलिफ को इस बा से जोड़ देंगे। हो गया बा। अब कुछ कोई से भी अवर्ड हमें लेना है, तो इस तरह यह अलग लिखा है, अगर अवर्ड में अलग से लिखा है, तब ता के लिए ता हम यहां से इतना लगा दिया हमने। ठीक, ता में काय की मात्रा है? एक ही। एक ही मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? या।
तो याकूब, याकूब ये लगा दिया हमने, ठीक है। अब याकूब हमने पूरा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके बाद यहां पर ये ना का निशान है, ना का नुक्ता, ना की बिंदी, है ना, बातें, तो इसके लिए भी क्या लगेगा, चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु के, चंद्रबिंदु की तरह लग रहा है, इसके लिए लगेगा हमें नून गुन्ना, नून गुन्ना हमने यहाँ लगा दिया, नून गुन्ना आखिरी में ऐसे नून गुन्ना को पूरा लिखा, क्या हो गया, बातें, आया समझ में, इस तरह लिखा है बातें। क्या लिखा ये, ऊट, तो हम शुरू में देखिए क्या है? सबसे फर्स्ट में क्या है, बड़ा ऊ, है ना, क्या है ये, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ के लिए क्या लिखा था, ठीक है, फिश नहीं भी लगा के तो चलेगा, ऊ, ऊट के बाद क्या है, चंद्रबिंदु, अब चंद्रबिंदु बीच में आ रहा था, क्या लगाएंगे, सिर्फ नाउन, क्या लगाएंगे, नून लगाएंगे, आखिरी में क्या है, टा, तो टा को इस ना से जोड़ देंगे, क्या हो गया ये, ऊट, आए समझ में, ठीक है। क्या लिखा है, दांत, दांत नहीं रहता है, दांत, दांत लिखा हुआ है, तो इसको हमें उर्दू में लिखना है, ठीक है, द के लिए, द के लिए दांत, द में काय की मात्रा है, आर की मात्रा के लिए लगाते हैं अली, इसको इससे चिपका के नहीं लिखेंगे, दाल से कोई भी हर्फ इधर से चिपक के नहीं लिखता, जब भी लिखना हो उसको पीछे से इधर से कहीं से भी चिपक के लिख सकते हैं, लेकिन इधर से कोई सा भी हरूफ चिपक के नहीं लिखे, ठीक है, ये हो गया दा, अब ऊपर क्या है, चंद्रबिंदु, तो चंद्रबिंदु अगर बीच में हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, सिर्फ नून, क्या लिखेंगे, नून, नून के साथ चंद्रबिंदु लिखेंगे, अब आखिरी में क्या है, ता, तो ता सबसे आखिरी में से ता को पूरा लिख देंगे, क्या हो गया है, ठीक है। लिखा है हंसो, क्या लिखा है, इसको हंसो नहीं पढ़ेंगे, क्या है, हंसो, हंसना, है ना, उसमें हल्का सा नून आता है, ठीक है, हा के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, ठीक, यहां लिख दिया, अब ऊपर क्या है, नून का नुक्ता है, चंद्रबिंदु का निशान है, ना का निशान है नहीं? तो हम लिखेंगे अब इसको बीच में, तो बीच में ना चंद्रबिंदु लिखा जाए तो सिर्फ इसको नून के साथ लिख देंगे, हन, आखिरी में क्या है, सा, सा में गाय की मात्रा है, ओ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, क्या हो गया ये, हसो, क्या है ये, हसो, अब यहां एक चीज लिख रहे हो, वो देखा, क्या लिखा है ये, यहां आइए, यहां आइए,
इससे हमें काय में लिखना है उर्दू में, ठीक है। यहां ये हमने यहां लिखा था, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे हम? या के लिए, ठीक है, हा के लिए, या में हा जोड़ दिया, हा में काय की मात्रा है, आ की मात्रा को हा में जोड़ा, क्या हुआ यहा, और ऊपर क्या चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु आखिरी में लग गया, तो उसको नोन की पूछा के साथ बिंदु है, ये हो गया यहा, ठीक है। आ, आ में काय की मात्रा है, आ की, आ में आ की मात्रा है तो मध, जो गया आ, ठीक है। उसके बाद क्या है, ई, बड़ी ई, तो बड़ी ई को अगर बीच में लिखेंगे तो हमजा या से, हमजा या से ई, है ना, ये नुक्ते थोड़े नीचे लगाएंगे इसके आगे हमें एक या और लिखना है, जो गया आई, हो गया। आखिर में क्या है, ये क्या हो गया है, यहाँ आइए, एक और लिख देता हूं, कल 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 जाइए गा, कल जाइएगा, ठीक है, का के लिए का आधा, ठीक है, तो आगे हमें लाम जोड़ना, और आगे क्या है ला, तो लाम को इससे जोड़ लेंगे, क्या हो गया है, ये एक वर्ड हो गया। अब आगे इसको लेंगे, जा के लिए, जा में काय की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ई, तो हमसा या जेर, और आखिर में क्या है, क्या है, ये के लिए बढ़िया लगा दिया, कल जाइए, आखिर में गा, तो गा के लिए गा, और गा में आ की मात्रा, क्या होगा, कल जाइएगा।